नमस्कार दोस्तों, देखिए हम कुछ नालंदा विश्वविद्यालय के विशेषताएं, पुराने नालंदा विश्वविद्यालय और नए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नया नालंदा विश्वविद्यालय जिसका उद्घाटन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, उसकी विशेषताएँ क्या। तो सबसे पहली विशेषता है कि इस विश्वविद्यालय यानी नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 7500 शिक्षक होंगे, यानी कि जो टीचर होंगे वो 7500 होंगे और इसी हिसाब से इसका आगे छात्र और छात्राएं इसके अंदर अध्ययन कर सकें। दूसरी इसकी महान विशेषता क्या है कि नालंदा खंडहरों की एक तस्वीर प्रशासनिक ब्लॉक में है। जो इनका प्रशासनिक ब्लॉक है उसके अंदर जो पुराना नालंदा विश्वविद्यालय था जिसके खंडहर बचे हुए हैं उनकी एक प्रतिमा को प्रशासित किया गया और वहाँ पर लगाया गया। तीसरी इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो परिसर के केंद्र से कलम सागर, परिसर के केंद्र में ही एक कलम सागर यानी कि कलम तालाब होगा और इसके आगे एक बाजारों की श्रृंखला होगी जिसमें से वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले टीचर और छात्र अपनी स्टेशनरी से लेकर खाने तक की सामान को खरीद सकेंगे। इसके बाद अगली जो इसकी विशेषता है, जो नया परिसर है, जो नया नालंदा विश्वविद्यालय उसमें बन रहा है, उसको नेट जीरो ग्रेट कैंपस भी कहते हैं। ये नेट जीरो ग्रीन कैंपस क्या होता है, ये वो होता है कि जिसके अंदर जितना कार्बन का आप उपयोग करोगे उतना ही कार्बन को डिस्ट्रॉय करेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ग्रीन प्लांट होंगे, यानी कि नेट जीरो कार्बन यानी कि कार्बन की जीरो खपत को लेकर है। और इसमें 100 एकड़ से अधिक में हरित क्षेत्र है, यानी कि 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं जिससे हरित प्रभाव बनाया गया और एक घरेलू और पेयजल उपचार संयंत्र, यानी कि एक वाटर के लिए घरेलू और पेयजल उपचार संयंत्र है और अपशिष्ट जल को पुनः उपयोग करने के लिए भी एक बड़ा सा तालाब बनाया गया। अब इससे पहले कि हम और आगे बात करें, इसमें महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि पुराना नालंदा विश्वविद्यालय जिसे नालंदा महाविहार भी कहते हैं उसकी क्या खासियत थी। तो सबसे पहले जो नालंदा महाविहार था इसे 5वीं सदी में बनाया गया था और ये 12वीं सदी तक चला था। इस विश्वविद्यालय जिसे प्राचीन भारत में शिक्षा के सबसे महान केंद्रों में से एक माना जाता है, ये जो विश्वविद्यालय था ये प्राचीन समय के जो महान विश्वविद्यालय या महान शिक्षा केंद्र हुआ करते थे उनमें से एक माना जाता था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा महाविहार के की थी। बिहार में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को 2016, अब ये महत्वपूर्ण बात आ गई है, यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट्स हैं कि जो बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय जिसके खंडहर बचे थे उसको 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। तो कब किया गया, 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। इसके अंदर किस किस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है तो इनको लेके बात करते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर जो विषय होता था वो गणित होता था, गणित, खगोल विज्ञान, व्याकरण, तर्क और सेना से रिलेटेड और भी कुछ सब्जेक्टों को यहाँ पर पढ़ाया जाता था। यहाँ पर जो छात्र शिक्षक का अनुपात होता था, यहाँ पर वो छात्र शिक्षक का अनुपात होता था 1:8, यानी कि 8 छात्र पर एक शिक्षक हुआ करता था। और वर्तमान में ये आशंका या अनुमान लगाया गया है कि जो नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण है उसका शिक्षक और छात्र का अनुपात भी 1:8 ही रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।